गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मिनट वेट कर लेते हैं, बच्चा आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को जितने भी चैप्टर्स चले हैं उस चैप्टर में से कोई भी डाउट है बुक निकाल लो, ओवरव्यू कर लो। ठीक है, हिस्ट्री चैप्टर 1, ज्योग्राफी चैप्टर 1-2, सिविक्स चैप्टर 1-2, इकोनॉमिक्स चैप्टर 1-2, ये सारे चैप्टर्स देख लो। जो भी डाउट हो वो सारे डाउट जो है वो पूछ लो। देखो, अब से तुम लोग ये करना, चारों चार बुक लेके आना। ठीक है, अब सोशल साइंस का पीरियड है तो तुम लोगों को चारों चार बुक लानी पड़ेगी, क्योंकि सोशल साइंस कंप्राइजेस ऑफ 4 सब्जेक्ट्स। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी। सोशल साइंस मतलब चारों बुक लेके ही आने की। उन लोगों को जब टाइम टेबल दिया जाता है तो ऐसा थोड़ी बोला जाता है कि आज ज्योग्राफी का चैप्टर चलेगा, तो ज्योग्राफी की आज क्लास है, प्लस हिस्ट्री की क्लास है, ऐसा बोलते हैं। सोशल साइंस की क्लास है, ऐसा बोलते हैं ना। तो सोशल साइंस मतलब चारों सब्जेक्ट आ रहे हैं। स्लेव ट्रेड वही है ना, ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड। मतलब तीन जो नेशंस थे, नेशंस के बीच में ये एक ट्रेड चलता था। मतलब कि इनको काम करने के लिए नहीं मिलते थे, लेबर्स नहीं मिलते थे, तो वो लोग इस तरह से स्लेव्स को ये लोग ट्रांसपोर्ट करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो उसी को बोला गया है स्लेव ट्रेड। अगर किसी को हम स्लेव बनाते हैं, ठीक है, जब कोई बंदा स्लेव होता है तो वो बहुत ही ऑप्रेसिव कंडीशन में होता है, क्योंकि उसके साथ बहुत ही गलत अत्याचार होता है, उसको नहीं करना होता है फिर भी उसको काम करना पड़ता है, वो लोग उनके पास काम करवाते हैं। मतलब देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑप्रेसिव एक्टिविटीज उनके ऊपर इम्पोज की जाती है। अगर तुमको ऐसा बोले कि तुमको ये नहीं करना है, यही करना है, और तुमको वो चीज अच्छी ना लगती हो और फिर भी तुम्हें करना पड़े, तो वो कैसा हो, कैसा रहेगा? वही चीज स्लेव के साथ होगी। हाँ, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट, फॉर एन एग्जाम्पल कोई एक फार्मर है, तो फार्मर जो होता है वो कोई भी एक ही क्रॉप ग्रो करता है, ठीक है, वन क्रॉप पर ईयर।
तो एक साल में एक ही क्रॉप ग्रो करना मतलब कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 महीने ही काम करने के लिए होते हैं, उसके बाद में बाकी के जो 6 महीने होते हैं वो बैठा रहता है, उसके पास कोई काम नहीं होता, क्योंकि दैट पर्सन डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ स्किल्स, क्योंकि उसको फार्मिंग के अलावा कुछ नहीं आता है, और वो भी जो भी ट्रेडिशनल वे में जो वो फार्मिंग करता रहता है, मतलब एक कोई एक किसान है, कोई एक फार्मर है, वो सिर्फ और सिर्फ रावी क्रॉप ही ग्रो कर सकता है, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, या तो उसको कुछ आता नहीं, उसके अलावा कुछ आता नहीं, तो वो क्या रहेगा कि सीजन जब होगी, रावी सीजन जब होगी तब वो क्रॉप ग्रो करेगा, रावी क्रॉप, ठीक है, और उसके बाद में जब वो सीजन चली जाएगी उसके बाद में उसके पास कोई काम नहीं, तो दिस इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब सीजन में आपके पास काम है, सीजन जब चली गई तो आपके पास काम नहीं है, कोई बंदा जो सिर्फ और सिर्फ आम बेचता है तो आम की जब सीजन आती है तभी बेचेगा, आम की सीजन चली जाएगी तब थोड़ी निकाल के देगा वो, तो दिस इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसी तरह से अगर हम रूरल एरियाज में, ये तो रूरल एरिया की बात की मैंने, एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो यहाँ पे जितने भी मशीनरी वर्कर्स हैं, ठीक है, वो कड़िया काम करते हैं, फिर कारपेंटरी करते हैं, तो ये भी सारे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उनको एक दिन काम रहता है, 2 दिन काम रहता है, 3 दिन का, अगर बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया तो 3 4 दिन काम कर लिया, 3 4 दिन के बाद वो अनएम्प्लॉयमेंट, पर वो लेबर चौक होता है, लेबर चौक देखा जिन लोगों ने, वो रास्ते पे कहीं पे चौक होता है, वो चौक पे सारे लेबर्स इकट्ठे होते हैं, फिर उसका वो कॉन्ट्रैक्टर आता है, वो कॉन्ट्रैक्टर चुन चुन के आदमियों को लेके जाता है, ठीक है, तो वो जो लेबर्स होते हैं जो लेबर चौक पे इकट्ठे होते हैं वो सारे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, उनके पास अगर काम है तो 3 4 दिन का काम या 10 15 दिन का काम मिल जाए, बाकी के 10 15 दिन कुछ नहीं, या तो होगा तो इकल दुकल काम मिलेगा। देखो इट डिपेंड्स कि अगर तुमको पूछा है कि डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ इंडिया, तो हमारे पास क्वेश्चन है तो इसमें इंडिया इज पास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वो एक पॉइंट, द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड्स 8° 4' नॉर्थ एंड 37° 6' नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड्स 68° 7' ईस्ट एंड 97° 25' ईस्ट, इतना ही आएगा 2 मार्कर, और अगर ये आगे 3 मार्कर में पूछ लिया स्ट्रेटेजिक लोकेशन अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, तो तुमको ये टॉपिक ऑफ कैंसर वाला पॉइंट भी मेंशन करना पड़ेगा, और साथ साथ में तीनों सीज का कंफ्लुएंस, मतलब कि अरेबियन सी वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, और इंडियन ओशन साउथ में, तो ये 3 सी का कंफ्लुएशन कंफ्लुएंस है, इसी इसी की वजह से इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन माना गया है। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक 1 मार्कर ये होता है, ठीक है, फिर अगर वो 3 मार्कर में पूछते तो फिर ये पूरा निकलेगा, याद है, ठीक है। अगर तुम लोगों को ये भी डाउट है कि किस तरह से क्वेश्चन लिखा जाता है, या कोई भी क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखना है, कितने पॉइंट्स में, कैसे पॉइंट्स में, देखो सबसे पहली बात तो ये कि मैं तुमको ये समझाना चाहता हूँ कि आप लोग जो पैराग्राफ सिस्टम में लिखते हो, यस, हमेशा पॉइंट्स में आंसर, क्योंकि पॉइंट्स में अगर आंसर लिखोगे तो आपका प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया रहेगा, और आगे आके जब आप टेंथ में आओगे तो टेंथ में भी आपको पॉइंट वाइज ही लिखना पड़ेगा, तो डू नॉट राइट योर आंसर इन पैराग्राफ, राइट इन पॉइंट्स, और पॉइंट्स भी इस तरह से होने चाहिए, ठीक है। मैं तुम लोग को बताऊं, जो लोग यहाँ पे ऑनलाइन में भी है,
पूरा रन नहीं कर रहा हूँ, इतना लग रहा है। तो सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर तुमको देना है तो वो किस तरह से दोगे? फॉर एन एग्जांपल यही क्वेश्चन ले लेते हो, ठीक है? क्या क्वेश्चन था? डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ इंडिया। डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ इंडिया। Describe the location of India. अगर मुझे इंडिया का लोकेशन डिस्क्राइब करना है, तो if it is a one marker question, तो मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले? India is a vast country. Latitudinal and longitudinal extends are variable to 88.4 minutes north to 37 degrees 6 minutes north. Latitude and 68 degrees 7 minutes east to 97 degree 25 minutes east longitude. अब देखो यहाँ पर तुमको वन मार्क फुल कब मिलेगा कि जब तुमने एक तो सबसे पहला स्टेटमेंट इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, और अगर आपको लेटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंस पूछे हैं तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है? और लैटिट्यूड ये क्या है, तो नॉर्थ लैटिट्यूड, फिर 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं गलती, अब यहाँ पे देखो गलती की बात करता हूँ, गलती क्या करते हैं कुछ कुछ बच्चे, यही बच्चे यही लिखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट लिख दिया to 37 degree 6 minutes bus, or then 68 degree 7 minutes to 97 degrees 25 minutes bus. पता कैसे चलेगा कौन सा north है, कौन सा east है, कौन सा west है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको mention करना ही पड़ेगा north, ये है north, ये है east और ये है east, and what is this and what is this? तो ये latitudes हैं और ये longitudes हैं। कभी कभी बच्चे उल्टा कर देते हैं, इसको longitude लिखते हैं और इसको latitude लिखते हैं। ये खास ध्यान रखना है कि north है तो वो हमेशा latitude होगा, क्योंकि हमारा जो latitude है वो northward northwards extend होता है, ठीक है? जैसे कि ये 0 degree north, ठीक है? फिर ये 8 degrees north, फिर ये 25 degrees north, इस तरह से northwards extend होगा। अगर नीचे जाना है तो ये 8 degree south, फिर ये 25 degree south, इस तरह से ऊपर जाए तो वो north latitudes है और इस तरह से नीचे आता है, इस तरह से नीचे आता है, मतलब ये दिख रहा है कि लाइन नीचे आ रही है पर एक्चुअली वो ईस्ट में या तो वेस्ट में जा रही है, मतलब ये this is 0 degree east, this is 8 degrees east, this is 25 degrees east, क्योंकि east में जा रहे हैं। अगर हम west में आते हैं तो वही चीज progression में आएगी, 8 degrees west, फिर 25 degrees west, समझे? Yes. सर, one marker में maximum कितना है? One marker में देखो, वैसे तो one line sentence होते हैं, पर अगर कोई ऐसा question आ गया कि जिसमें आपके पास point है लिखने के, तो you should opt. जैसे कि यही क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ इंडिया, तो कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस ये लिख दिया खत्म हो गई बात, ऐसा नहीं होता। यू मस्ट हैव टू मेंशन, पूरा आपको मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि हम
हमको कोई नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है तो हम क्या बोलेंगे? माई नेम इज यश दीपक दवे, हम ऐसा बोलते हैं ना, या तो फिर ऐसा यश ये तो गलत बात होगी, मतलब वन वर्ड तो पूछा नहीं है, वन लाइन सेंटेंस पूछा है। वन वर्ड अगर पूछा है तो हम इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। आपको वन लाइन सेंटेंस में लिखना है, इट इज अ वन मार्कर क्वेश्चन, वन लाइन सेंटेंसेस, यू हैव टू राइट योर आंसर इन वन लाइन सेंटेंस। तो वन लाइन सेंटेंस में ये सेंटेंस आ गया, कोई भी क्वेश्चन हो उसका पहले इंट्रोडक्शन लिखो फिर उसका कंटेंट, ठीक है। अब ये चीज एकदम से आप ऑप्ट नहीं कर पाओगे, तो एकदम से अगर मैं आपको हम लोगों को बोल दूंगा कि आपको सभी में यही चीज लिखनी है तो मतलब इट विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि आज तक आप लोग वही ट्रेडिशनल वे में आ रहे हो, पैराग्राफ सिस्टम से लिखना, ये लिखना जो दिया है वही उतना ही लिखना, ठीक है, पर ये धीरे धीरे आदत डालो। एक एग्जाम में दिक्कत होगी, फिर दूसरी एग्जाम में थोड़ी कम दिक्कत होगी, तीसरी एग्जाम में क्या नहीं, उनसे बनाने की जरूरत नहीं है, प्लीज इन टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक के अंदर ही है, ठीक है। आप लोग जितना इसको डिफिकल्ट मान रहे हो उतना डिफिकल्ट है नहीं, जैसे कि तुम्हारे सामने ही मैंने ये क्वेश्चन बना दिया, उसमें ये है इंट्रोडक्शन, पीडीएफ जब आस्क करते हैं इज एन इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स इंडिया, उसके बाद में उसका लोकेशन क्या है, मैंने लोकेशन बना दी, ठीक है। अब मान लो कि ये एक थ्री मार्कर क्वेश्चन, इट इज अ थ्री मार्कर, और पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे 67 यस, तुम लोग दो बार करते नहीं आते, आते नहीं आते, नहीं आते, अगर ये टू मार्क वन मार्कर की जगह पे थ्री मार्कर वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको पॉइंट्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो पॉइंट्स क्या बढ़ेंगे, तो
यहाँ पे लिख दो इंडिया इज हैविंग अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, कितने पॉइंट हुए? अब तीन बनाने हैं और, ठीक है, तो एक यहाँ पे है अरेबियन सी, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे है इंडियन ओशन, ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट आएगा इंडिया इज हैविंग अ कन्फ्लुएंस ऑफ थ्री सीज, कौन सी लिखो, दिस इसका मतलब पता है, ये चीज उसका शॉर्ट फॉर्म है दिस, दिस अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। अब सपोज मान लो कि ये वर्ड नहीं आ गया, भूल गए, तो फिर क्या लिख रहे हैं? इंडिया इज सराउंडेड बाय थ्री सीज, दिस इंडियन ओशन, अरेबियन सी। अब इसको थोड़ा और एलाबोरेट करना हो तो अरेबियन ओशन इन वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन इन साउथ, ठीक है, उसके बाद वाला पॉइंट क्या आएगा? 25 डिग्रीज समथिंग समथिंग है ना, 23.5 डिग्रीज क्या आएगा? नॉर्थ लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैंने लव सब लिख दिया, फाइनली वही हुआ 23.30, मतलब आता हुआ ना, तो फाइनल हो गया ना, 23 degrees 30 minutes north latitude, the tropic of cancer divides Indian landmass into two equal parts, halves or parts. So, point to A, O, E, J, parts. You know? Sir, it is already a key. कट शॉर्ट लिखोगे और पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे इतना ज्यादा, देखो एक पॉइंट तीन लाइन का भी होता है और एक पॉइंट एक लाइन का भी होता है, पर वो तीन लाइन से लिखना बेटर है एक। अब उसको तुम लोगों ने इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग की हो, प्रेसी राइटिंग, यू नो व्हाट इज प्रेसी राइटिंग, एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया जाता है पूरे पेज का, उसको थ्री फोर्थ करना होगा, समझे? तो कोई भी जैसे ये नोट्स बनाते हैं तो नोट्स किस तरह से बनाते हैं, पूरा पैराग्राफ होता है, पूरे पैराग्राफ से सिर्फ पांच पॉइंट निकलते हैं और वो जो मेन पांच पॉइंट होते हैं वही पूरे पैराग्राफ को डिफाइन करते हैं, यही चीज तुम लोगों को सीखनी है। तुम लोग क्या करते हो कि कोई भी क्वेश्चन पूछा पूरा पैराग्राफ लिखो, जो टेक्स्ट बुक में दिया वही का वही पैराग्राफ छाप दो, कोई तो रट्टा मार के आता छाप देते लाइन टू लाइन इन टू, ठीक है, ये नहीं करना, दिस आर नॉट एट ऑल द प्रेजेंटेशन स्किल, समझे? ये कोई प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है, जो चीज लिखा वो छाप दिया, जो चीज पढ़ा वो छाप दिया, नहीं छापना नहीं है, समझ की करना है। मैं तुमको एक चीज बताएंगे, पता है कि जब भी हम लोग पढ़ने बैठते हैं ना तो साथ में एक नोटबुक लेके बैठते हैं, ठीक है, पढ़ते जाओ और उसमें से पॉइंट्स बनाते जाओ, पढ़ते जाओ उसमें से पॉइंट्स बनाते जाओ। अब जैसे जैसे आप पॉइंट्स बनाते जाओगे वैसे वैसे आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, लर्न कर लिया। हम जब लिख के लर्न करते हैं ना तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। माइंड में छप लो,
लोगों ने ट्राई किया है कभी ठीक ही करवाती है पर क्वेश्चन आंसर ठीक ही करवाती हूं मैं सारी चीजें लर्न करनी जरूरत ही नहीं बस सिर्फ तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई कौन सा क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन में किस तरह से हमको प्रेजेंट करना है कितना लिखना है पर वो क्वेश्चन में ही समझ में आ जाता है कि कितना पूछा है तो उतना ही लिखो ठीक है अब मैंने पूछा है लोकेशन ऑफ इंडिया टेक्टोनिक प्लेट डाल गया हो तो सही आंसर नहीं है पूछा है सिर्फ लोकेशन ऑफ इंडिया लिखना है सिर्फ और सिर्फ लोकेशन ऑफ समझे पता चला तो एक काम करो आज इसकी प्रैक्टिस करो सभी के पास टेक्स्ट बुक्स हैं तो सबसे पहले मुझे एक काम करो पेज नंबर 15 पे आ जाओ आज मैं जो चीज करवाऊंगा ना वो बहुत ही याद रखोगे आप पेज नंबर 15 पे आ जाओ ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक और एक क्वेश्चन दिया गया है क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो गिव एन अकाउंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया ठीक है अब इसको हम ट्रीट करते हैं एज अ 5 मार्कर ठीक है Yes. इसको हम ट्रीट करते हैं एक 5 मार्कर नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया ठीक है तो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया 5 मार्कर क्वेश्चन है तो कितने पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे 12 से 15 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे मतलब मिनिमम 12 पॉइंट्स कर लिखे तो चलेगा मुझे ये चीज 12 पॉइंट्स में लिख के दिखाओ एकदम परफेक्ट आंसर आना चाहिए जैसे कि मैंने यहाँ पे तुम लोगों को बताया ठीक है चलो फटाफट करो पहले सुनो सिस्टम ही गलत करी तुम लोगों क्वेश्चन लिखो सबसे पहले तो तुमको क्या पूछा है उस हिसाब से फिर तुम पैराग्राफ में देखो कि क्या क्या पॉइंट्स आएंगे क्या क्या पॉइंट्स हम लोग इसको अंदर हाँ एग्जैक्टली पर सबसे पहले पढ़ना है पढ़ो उसके बाद में इवेल्युएट करो कि कौन सा पॉइंट हम लिख सकते हैं ये पूरे क्वेश्चन ठीक है ऐसा नहीं पूरे 2 पेज का आंसर बना दिया नहीं सिर्फ 12 पॉइंट्स लिख रहे 10 से 12 पॉइंट्स एग्जाम है हाँ 15 मिनट्स आज अब वैसे भी मैंने वो प्रेजेंटेशन बताया
फोटो भी नहीं, फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, ये ऑनलाइन है, रिकॉर्ड किया हुआ है, तो उसमें देख लेना। ढूंढ लिए बन गया। एग्जाम दे रही तुमने इतनी जल्दी?
वाक्यों को लिखना शुरू नहीं किया। ये तुम लोग जो लिख रहे हो ना वो कंसंट्रेशन के साथ लर्न करते करते लिखना। अब इसका मैजिक देखना, ये कभी भी तुम लोग भूलोगे नहीं। दिस इज द वे ऑफ प्रिपरेशन किसी भी सब्जेक्ट में। ये अकेले मैं सोशल साइंस की नहीं बात कर रहा, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप लिखते लिखते प्रैक्टिस करोगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल कि आप कभी भी भूलोगे नहीं उसे। आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं, 8th स्टैंडर्ड में कंप्लीट करके 9th स्टैंडर्ड में आते हैं, 8th स्टैंडर्ड में कुछ भी पूछते हैं तो फिर उनको याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी हुई होती है। एग्जाम के एक महीने पहले स्टडी करना शुरू किया होता है या 15 दिन पहले स्टडी करना शुरू किया होता है, एग्जाम देते थे खत्म कर देते, ठीक है। पर वो चीज नहीं करनी है। अभी स्टार्ट किया तुमने, अभी तो शुरुआत कर रही है। क्या वो रीड करते हो उसी टाइम पे पॉइंट्स मार्क करने होते हैं? ये तो टाइम वेस्ट हुआ। पॉइंट्स लिखते जाओ साथ साथ। नहीं अभी ही लिखना है। क्या होगी देखो अंदर। किसी को कोई इनको पेज दो। है एक्स्ट्रा नोटबुक या पेज है? ओके दे दो भाई, पेज दे दो। इतना लेजी नहीं होना चाहिए। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, लेजीनेस खोनी पड़ेगी। अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा नॉलेज गेन करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना।
लिख लिया। और भी है रश्मि हीर रेशा तुम लोग अभी ज्वाइन हुए हो, लेक्चर एक्चुअली पहले ले लिया था मैंने। यस दिया हीर रेशा रश्मि लेक्चर खत्म हो गया है तो तुम लोग जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो देख लेना तो तुम लोग को आइडिया। आज हमने कुछ ज्यादा नहीं करवाया, मतलब कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया है, सिर्फ और सिर्फ राइटिंग स्किल्स के बारे में डिस्कस किया है, किस तरह से पेपर के अंदर आपको प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन स्किल्स किस तरह से होनी चाहिए और आपको प्रिपरेशन किस तरह से करना है, वही चीज हमने डिस्कस की है। ठीक है तो ये वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है सर, वो एक्चुअली ग्रुप में मैसेज आया था कि पहले एग्जाम है और फिर एसएससी लेक्चर है। यस सर, यस सर। एक्चुअली यहाँ पे क्लास की अवेलेबिलिटी नहीं थी इसलिए पहले हमने लेक्चर ले लिया। कोई नहीं, आपके पास ये ऑप्शन है ऑनलाइन वाला, तो आप वीडियो देख लेना हम लोग, और कोई भी डाउट हो तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना। ठीक है ओके सर। हैप्पी टीचर्स डे सर इन एडवांस। यस सर, हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे सर। तो सर अब हमें लीव कर देना है। हाँ, इफ यू वांट टू लीव देन यू कैन लीव। ओके सर, थैंक यू, बाय। बाय सर। बाय सर। बाय। क्या yeah.